दोस्तों इस साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा और इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, किस एक विशेष राशि पर यह चंद्र ग्रहण खास प्रभाव डालेगा, साथ ही साल 2021 के लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण का क्या सूतक रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, किस तारीख को लगेगा, ये पूरी जानकारी चंद्र ग्रहण 2021 के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ फटाफट से। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखते रहिएगा पूरा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इस साल 2021 में पहला चंद्र ग्रहण जो है ना वो लगने जा रहा है 26 मई को, और इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की स्थितियां क्या रहेगी और इसकी वजह से किन किन राशियों पर इसका खास प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल 2021 में कुल चार ग्रहण लगने वाले हैं, दो तो सूर्य ग्रहण होंगे और दो चंद्र ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को लगेगा, ये भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, ओके। और इसके बाद दूसरा जो ग्रहण लगेगा वो सूर्य ग्रहण होगा जो कि 10 जून 2021 को लगेगा। उसके बाद 19 नवंबर 2021 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। फिर 4 दिसंबर 2021 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है ना। यानी कि ये चार ग्रहण जो है कुल इस साल 2021 में लगेंगे। लेकिन दोस्तों 26 मई 2021 को लगने वाला जो पहला चंद्र ग्रहण होगा उसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो बता दूं कि 26 मई को जो ये पहला चंद्र ग्रहण लगेगा ना, जो कि 26 मई 2021 दिन बुधवार के दिन लगेगा, दोपहर 2:17 से शुरू होगा और शाम को 7:19 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण को पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में पूर्ण तरह चंद्र ग्रहण होगा ये, और बाकी दूसरी जगहों पर ये आंशिक रूप से रहेगा। हालांकि इसे भारत, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा। फिलहाल अपन बात करें पहले चंद्र ग्रहण की, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सूतक की। तो क्योंकि दोस्तों इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और उपछाया चंद्र ग्रहण जो होता ना उसका कोई सूतक काल नहीं होता, इसलिए पहले चंद्र ग्रहण के दौरान कोई सूतक काल नहीं होगा। हालांकि फिर भी इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, यानी कि चंद्र ग्रहण से 24 घंटे पहले से ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। वैसे ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है तो ये भी आप समझ लीजिए कि इस साल लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण जो है उपछाया का होगा। उपछाया ग्रहण पेनुम्ब्रा से होकर गुजरता है, इस कारण चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश कुछ कटा हुआ पहुँचता है। उपछाया की स्थिति में चंद्रमा की सतह कुछ धुंधली सी दिखाई देने लगती है और इसे ही उपछाया ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण काल में आपको क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों ये मान्यता है कि ग्रहण के दौरान तेल लगाना, जल पीना, बाल बनाना, कपड़े धोना और ताला खोलने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण काल में, यानी कि ग्रहण जब समय होता है ना, जिस समय ग्रहण चल रहा होता है उस दरमियान ये काम नहीं करने चाहिए, जो कि समय मैंने आपको बताया दिन में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक रहेगा, है ना। और बाकी मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अन्न खाते हैं ना लोग ग्रहण के दौरान वो नरक में जाने का कारण बन सकता है, ऐसा मान्यता है ना, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक। और बाकी दोस्तों ग्रहण काल के दौरान सोना भी नहीं चाहिए, नींद नहीं निकालनी चाहिए, कहने का मतलब। चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर का भोजन करना वर्जित माना जाता है, 3 समय भोजन आपको नहीं करनी चाहिए चंद्र ग्रहण के दिन। और ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि भी पेड़ पौधों के नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है ना। और ग्रहण काल में खास करके आप कोई शुभ काम शुरू नहीं करें, कोई नए काम की शुरुआत ग्रहण के समय ना करें। अच्छा, तो फिर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, तो एक तो ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को आप शुद्ध कर लें, स्नान ध्यान आदि कर लें, और ग्रहण खत्म होने के बाद भी आप स्नान ध्यान करके अपने घर की साफ सफाई कर लें, अच्छे से पीने वीने का पानी, बर्तन ढामड़े जो भी है उनको माँज मुझा के आराम से, और घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें, इससे पवित्र हो जाता है, ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है। इसके अलावा ग्रहण काल में आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन दान धर्म आप जरूर कर सकते हैं ग्रहण के दौरान। अच्छा, इसके अलावा ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपको स्नान वगैरह करना चाहिए, और ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल दें आप, ठीक है ना। जो कोई मान लीजिए अचार वगैरह या खाने पीने की इसी घर में कोई चीजें हैं, सब्जी रोटी है, तो उनमें भी तुलसी का पत्ता डाल दें, तो नकारात्मक ऊर्जा उनमें नहीं जाती है। तो ये तो ग्रहण के दौरान बातों का आप ध्यान रखें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि ग्रहण का असर जो है ना वो एक खास राशि पर पड़ेगा, वो राशि है वृश्चिक राशि। जी हाँ, ध्यान रखें, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर ना, नी, नू, ने से शुरू होता है, या तो से शुरू होता है, या फिर या, यी, यू से शुरू होता है, वाई अक्षर से, है ना, तो उन लोगों पर ये साल के पहले चंद्र ग्रहण का खास ज्यादा असर पड़ेगा, सावधानी बरतें ये राशि वाले लोग, है ना, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण होगा ना ये वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में ही लगेगा, और
इसीलिए वृश्चिक राशि वाले जातक खास करके चंद्र ग्रहण पर स्पेशली ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, चंद्रमा की रोशनी में ना जाएं, और विशेष तौर से माताएं बहनें जो गर्भवती हैं वो तो चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी उनके शरीर पर पड़ना ही अशुभ माना जाता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको जरूर जानने मिली होगी। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों की आपके नाम का पहला अक्षर कौन से अक्षर से शुरू होता है, कॉमेंट में लिखिए मुझे, ताकि मैं आगे आने वाले महीनों का अप्रैल मई 2021 का राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि दोस्तों आप 18 मिलियन फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में दमदार बात है। इसीलिए नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।